शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र स्थित तिलक नगर पार्क में आरएसएस की शाखा लगाने व क्रिकेट खेलने की बात को लेकर रविवार को दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया, जिसमें दो भाई घायल हो गए। वहीं दूसरे गुट के दो युवक भी घायल हो गए, जिन्हें रात को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इधर इस हमले के बाद दोनों ही गुटों से जुड़े हिंदू संगठन के लोग भीमगंज थाने पहुंच गए और कार्यवाही की मांग करते हुए थाने के बाहर बैठ गए। लोगों की बढ़ती भीड़ को देख सीओ सिटी नरेंद्र दायमा, प्रतापनगर थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण सहित पुलिस जाप्ता भीमगंज थाने पहुंचा। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि तिलक नगर पार्क में शाम को आरएसएस की शाखा लगती है, जहां पार्क में कुछ युवक क्रिकेट भी खेलते हैं। इसी बात को लेकर वहां दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पक्ष के तेजाजी चेक निवासी शंभुकरण पुत्र शिव कुमार घारू और उसका भाई कार्तिक घारू घायल हो गया। वहीं दूसरे पक्ष के दो युवक घायल हो गए। शिव कुमार घारू ने बेटों पर हमले के मामले में यमन खटिक, राकेश खटिक व समदू देवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इधर पूर्व उपसभापति जीपी खटिक के परिवार की ओर से शंभुकरण सहित अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व उपसभापति जीपी खटिक किसी युवक के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि पल पल राजस्थान नहीं करता है। हमारी शाखा लगती है, वहाँ पर 10-15 जने आए उनको मारने के लिए। हम बीच बचाओ में गए तो हमारे पर हमला कर धारदार। कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे? 10-15 जने थे, उसमें से एक दो छोटू सिंह नाम बताया, छोटू नाम है एक तो, और बाकी के नाम हमला क्यों किया? शाखा लग रही थी तो वो आए वहाँ पर। यहाँ शाखा कैसे लग रही, शाखा नहीं लगनी थी, उन्होंने आतंक मचा रखा वहाँ पर। तो मैं, मेरे को फ़ोन आया तो मैं उनको बचाव करने गया, समझाने गए कि मत लड़ो, उन्होंने पीछे से मेरा हमला। कितने लोग गए हुए? दो जने गए हुए। क्या नाम आपका? शुभंकर घर। ऊपर अरे आप ठीक है। आज शाम को भीमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलक नगर में एक पार्क में दो कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे थे। दोनों पक्षों में क्रिकेट को खेलने की और नहीं खेलने की बात को लेकर के विवाद हो रहा था। उस विवाद को लेकर के ही दोनों में मारपीट हो गई, जिसमें से एक पक्ष है उसको एमजीएच में ले जाया गया, जहां पे इलाज चल रहा है। उसी मारपीट में ही दूसरे पक्ष के भी दो बच्चों के साथ में भी चोटें आई हैं, उनको भी एमजीएच में ले जाया गया है, वहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। किस कारण से झगड़ा, किस बात को लेकर झगड़ा? इसमें जहाँ तक एक पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि हम बार बार यहाँ पे हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम यहाँ पे शाखा लगाना चाह रहे हैं और शाखा में हम खेल करके हम हमारी शाखा लगा करके हमारी जो क्रियाविधि है वो करना चाह रहे हैं। आरएसएस की शाखा कितने समय से वहाँ लगी है? इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी समय से आरएसएस की शाखा भी लगती आ रही है और बच्चे भी क्रिकेट खेलते रहे हैं वहाँ पे। सर, शाखा पर हमला करने की भी बात सामने आ रही है, कुछ समय से गायल हुए हैं। ये सिर्फ बच्चों की बात है, बच्चों की बात को ही थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है खींच के। तो बाकी और दोनों पक्ष हैं यहाँ थाने पे मौजूद है और अपनी अपनी कंप्लेन वो दे रहे हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अनुसंधान से जैसे भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। सर, इसमें कांग्रेस के नेता का भी हाथ बताया जा रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, गली गलोच का भी उनका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। फिलहाल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी है कि हाँ, ये शुरुआत बच्चों की झगड़े से हुई थी और निश्चित रूप से बच्चों के झगड़ों से ही ये बात आगे बढ़ी हुई है। पूर्व में भी घटना होनी चाहिए। हाँ, इस बारे में ये बताया गया है कि कुछ बच्चों के साथ में ही आपस में ही मारपीट की घटना पहले भी हुई थी, जिसकी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी गई, इसके इस पक्ष से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर, मौके से हथियार भी बरामद हुए कुछ? इस संबंध में अभी कहना कोई जल्दबाजी है कि चूंकि अभी झगड़ा था और झगड़े के साथ में ही और दोनों पक्ष हैं उनको थाने पे लिया जा चुका है, जैसी भी जरूरत होगी आगे बताया। नहीं, अभी दोनों की कंप्लेन है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर, जो पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दी है उन्होंने किस पे आरोप लगाए हैं, कौन वो लोग हैं? दोनों पक्ष हैं, एक और खटिक समाज है उनकी तरफ से रिपोर्ट है, एक और जो पीड़ित है जो एमजीएच में भर्ती है उसका फादर है,
हरिजन है, दोनों की ओर से ही रिपोर्ट दर्ज की हुई है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में है तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, क्लेट, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरणमगरी सेक्टर 3, उदयपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 8233-22-3322। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।